जैसे लोक में डॉक्टर व्यक्ति का चेहरा देखकर ही बता देता है कि इसको क्या हुआ है, एक दर्जी कपड़ा देखकर ही बता देता है इसमें कुर्ता निकलेगा कि नहीं, ऐसे जो व्यक्ति तत्वज्ञानी होता है, मोक्ष मार्गी होता है, वो एक एक परिणमनो परिणाम को देखकर ही समझ जाता है कि इससे दुख आएगा कि सुख आएगा, इससे आनंद बढ़ेगा कि घटेगा। उसके पास तत्व ज्ञान की कला है, वो जानता है ये चीज दुख में निमित्त है कि सुख में निमित्त है, ये परिणाम सुख रूप है कि दुख रूप है, सुख का साधन शुद्ध आत्मा है या परद्रव्य है, परद्रव्य के आश्रय से दुख मिलना है कि सुख मिलना है, कोई सहयोग दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। भाई जैसे लोक में लौकिक कलाओं के धनी अपनी फील्ड में, अपने कार्य क्षेत्र में पारंगत होते हैं, दक्ष होते हैं, ऐसे ही प्रभु मोक्ष मार्गी तत्वज्ञानी तत्वज्ञान की कला से मोक्ष मार्ग में दक्ष होते हैं। वे परमाणु मात्र को अपना नहीं मानते और अपने शुद्ध आत्मा में परद्रव्य को नहीं मिलाते, वे पर का अंश अपने में नहीं मिलाते, अपना अंश पर में नहीं मिलाते, वे तो निश्चिंत और निर्भर रहते हैं, वे परमाणु परमाणु की स्वतंत्रता जानते हैं, आश्रव को दुख रूप देखते हैं, आश्रव में जुड़ने वाले बंधे को दुख रूप देखते हैं और आश्रव के अभाव को सुख रूप संबर देखते हैं, पुद्गल को पुद्गल जानते हैं, गे जानते हैं, शुद्ध आत्मा को उपाधेय जानते हैं, आश्रय करने योग अपनाने योग मानते हैं। इसलिए मेरे भाई तत्व ज्ञान की कला अवश्य सीखिए और एक एक परिणामों का मूल्यांकन करके अनंत सुखी होइए। अपरिणामी का आश्रय लीजिए, संबंध निजर प्रकट कीजिए, आश्रय बंध का निरोध कीजिए, मुक्ति सुंदरी के बल्लभ बनिए, कलाकार बनिए कलाकार, ये जीवन कहीं बिना कला का न चला जाए, विचारना भाई।